तो भोले तेरे भी शोक निराले हैं, भोले तेरे भी शोक निराले हैं, कहीं चिल्लम कहीं गांजा कहीं विस्के प्याले हैं। जय श्री कृष्णा दोस्तों, मैं हूं नरेंद्र अग्रवाल और आप देख रहे हैं नरेंद्र अग्रवाल यूट्यूब चैनल। तो यदि आप भोलेनाथ के भक्त हैं और शिव मंदिर में जाते हैं तो आपने देखा होगा कि लोग शिव मंदिर में शिवलिंग की परिक्रमा भी करते हैं, लेकिन काफ़ी लोग यह नहीं जानते हैं कि शिवलिंग की पूरी परिक्रमा नहीं की जाती है, पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। देखिए, पूर्ण परिक्रमा करना गलत नहीं है, जहाँ तक संभव हो शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं करनी चाहिए। जो लोग नियमित रूप से शिव मंदिर जाते हैं वो लोग इस बात को जानते हैं कि शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा नहीं की जाती है। मगर क्यों नहीं की जाती है शिवलिंग की पूर्ण परिक्रमा, इसका कारण बहुत ही कम लोग जानते हैं। शिवलिंग की आधी परिक्रमा के पीछे यह कारण है कि शिवलिंग पर जल चढ़ाने के बाद वह जल जिस रास्ते से बहकर जाता है उसे निर्मली कहा जाता है, जहाँ से निकलकर जल जमीन में बने गड्ढे की ओर आगे बढ़ जाता है। तो यदि शिव मंदिर में यह निर्मली ढकी हुई हो, आपको दिखाई नहीं दे रही हो, यानी कि गुप्त रूप से बनी हो, तो फिर आप पूरी परिक्रमा कर सकते हैं। ऐसे में आपको किसी प्रकार का कोई दोष नहीं लगता है। लेकिन यदि यह निर्मली खुली होती है, शिवलिंग से जाता हुआ जल आपको दिखाई दे रहा है, तो फिर आपको आधी परिक्रमा ही करनी चाहिए। किसी भी स्थिति में शिवलिंग की निर्मली को लांघना नहीं चाहिए, और इसीलिए अर्ध परिक्रमा का प्रावधान किया गया है। जिन शिवालयों में निर्मली की समुचित व्यवस्था नहीं होती है, वहाँ का जल साधारण खुली नालियों की तरह बहता है, और ऐसी स्थिति में उसे कदापि नहीं लांघना चाहिए, इससे भयंकर दोष लगता है। निर्मली लांघने पर भयंकर दोष लगता है, इससे जुड़ी एक प्राचीन कहानी, एक प्राचीन कथा भी है। चलिए ये कहानी भी आपके साथ शेयर करते हैं। ये बड़ी ही रोचक कहानी है, छोटी सी कहानी है, इसलिए इसे भी आप पूरा सुन लीजिए। तो आइए शुरू करते हैं। तो ये बड़ी ही प्राचीन बात है। पुष्पदत्त नाम का एक राजा हुआ करता था। ये पुष्पदत्त भगवान शंकर का, शिव का अनन्य भक्त था। पुष्पदत्त नियम से भगवान शिव को रोजाना पुष्प अर्पित किया करता था, और इसके लिए वो उत्तम सुगंध वाले फूल लाने के लिए किसी की वाटिका में, किसी की पुष्प वाटिका में चला जाता और वहाँ से प्रतिदिन सुंदर सुंदर फूल चुरा कर ले आया करता था। जी हाँ, चुरा कर लेकर आता था। अब रोजाना फूलों की चोरी होने पर बागवान को, माली को संदेह हो गया कि कोई ना कोई तो यहाँ पुष्प चुरा रहा है, हो ना हो अवश्य ही कोई चोर है। तो वाटिका का मालिक काफ़ी परेशान रहने लगा। उसने कई बार कोशिश की कि चोर पकड़ा जाए। वो रात रात भर जागता, दिन दिन भर निगरानी रखता, मगर उसे कोई बगीचे में आता हुआ दिखाई नहीं देता। तो अंत में बागवान परेशान होकर पुष्प चोरी की बात बगीचे के स्वामी को बताता है कि किस तरह से रोजाना चमत्कारी रूप से पुष्प गायब हो रहे हैं। फूलों की चोरी रोकने के लिए बगीचे का स्वामी वहाँ एक गुप्तचर को नियुक्त कर देता है, ताकि पता चल सके कि आखिर कौन है जो बगीचे से अच्छे अच्छे फूल रोजाना चोरी करके ले जाता है। तो गुप्तचर की व्यवस्था कर दी गई, लेकिन इसके बाद भी चोरी होती रही, क्योंकि पुष्पदत्त के पास अदृश्य होने की शक्ति थी, तो वह अदृश्य होकर फूलों की चोरी कर लिया करता था। तो अब सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। गुप्तचर रोजाना निगाहें बिछा कर बैठा रहता, मगर उसे भी कुछ नज़र नहीं आता। एक दिन की बात है, पुष्पदत्त भूलवश शिवलिंग की निर्मली यानी कि जल प्रवाहिका को लांघ गया, और इसके परिणाम स्वरूप तुरंत ही उसकी अदृश्य होने की शक्ति समाप्त हो गई। लेकिन इस बात का उसे पता नहीं चल पाया कि वो अब अदृश्य नहीं हो सकता है। अगले दिन वो अपने नियम से पुष्प वाटिका में पुष्प चुराने के लिए चला गया। पुष्प तोड़ते समय गुप्तचर ने उसे देख लिया और पुष्पदत्त पकड़ा गया। अब उसने अदृश्य होने की पूरी कोशिश की, मगर वो सफल ना हो सका, लेकिन किसी तरह से वो वहाँ से जान बचाकर भाग कराने में सफल हो गया। और अगले दिन सुबह पूजा के पश्चात उसने भगवान से इसका कारण पूछा। तब भगवान भोलेनाथ शिव ने उसकी अदृश्य होने की शक्ति के लुप्त हो जाने का रहस्य बतलाया, और तब से यह
प्रावधान कर दिया गया कि निर्मली का लंघन किसी के द्वारा ना हो, और इसीलिए प्राचीन काल से ही शिवलिंग की निर्मली को लांघा नहीं जाता है और अर्ध परिक्रमा ही की जाती है। सभी देवी देवताओं के परिक्रमा के संबंध में कुछ नियम बनाए गए हैं, तो यदि आप जानना चाहते हैं कि किस देवता को, किस देवी देवताओं को या किस मंदिर में आपको कितनी परिक्रमा लगानी चाहिए, यदि आप जानना चाहते हैं तो इसके लिए हमने एक वीडियो तैयार किया है जिसका लिंक आपको इसी वीडियो के अंत में मिल जाएगा, तो आप उसे भी देख सकते हैं। तो बस इस वीडियो को यहीं विराम देते हैं। तो दोस्तों, यह वीडियो, यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो, यूज़फुल लगी हो, तो कृपया लाइक के बटन पर ज़रूर क्लिक कीजिए, और यदि आपने हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो कृपया चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस चैनल पर हम लेकर आते हैं आपके लिए तरह तरह की धार्मिक जानकारियाँ, होम रेमेडीज, होम टिप्स और टेक्निकल नॉलेज। तो सब्सक्राइब करने पर आपको हमारे नए वीडियोस की अपलोड्स लगातार निरंतर मिलती रहेगी, तो कृपया अभी सब्सक्राइब के लाल बटन पर क्लिक करके चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। और हाँ दोस्तों, सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है, और सब्सक्राइब करने के तुरंत बाद घंटी के बटन पर भी अवश्य क्लिक कीजिए। तो एक नया वीडियो, एक नई जानकारी लेकर मैं आपका दोस्त नरेंद्र अग्रवाल फिर मिलूंगा। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक्स। जय श्री राम, जय हनुमान, जय जय भोलेनाथ।